नमस्कार, मैं हूँ माला और मेरे YouTube चैनल माला की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं समोसे बना रही हूँ। देखिए ये इस तरह कैसे बनाएंगे समोसे, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है, जो नॉर्मली आप घर में कटोरी इस्तेमाल करते हैं ये वही है, कोई भी कटोरी सेट कर लें। ये स्टफिंग के लिए ये मैंने 4 से 5 आलू ले लिया है, ये छोटा आलू है इसलिए मैंने 5 ले लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये फ्रेशनेस के लिए जरूर डालिए। ये 4 से 5 हरी मिर्च है, इसको मैंने काट लिया है। ये आधी कटोरी उबला हुआ मटर है। मसाले देख लेते हैं। ये 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, ये आधी चम्मच अजवाइन है, ये बहुत थोड़ी सी हींग है, ये जीरा है 1/2 चम्मच, और ये टोटल 1/2 चम्मच नमक है, जिसमें से मैंने 1/2 काला नमक लिया है और उतना ही मैंने इसमें सफ़ेद नमक लिया है, जो घर में हम खाते हैं ये वही है। चलिए अब समोसे का डो लगाते हैं। अब इस मैदे में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 4 चम्मच इसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, और 3 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। इसे इस तरह बनाएंगे तो समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब इन सबको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, पानी अभी नहीं डालना जब तक ये तेल और मैदा और घी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देखिए आटा जुड़ने लगा है, इसको करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सब मिक्स करें। अब इसमें ये अजवाइन ये भी डाल दें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डोल बना लें। पानी एक बार में सारा ना डालें। देखिए डो लग गया है, इसमें मैंने बहुत धीरे धीरे पानी डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए आटा। अब इसको रेस्ट देते हैं कम से कम 15 मिनट, और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लें, उसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जैसी तेल गरम हो जाए जीरा डालना है। देखिए जीरा हो गया है, इसमें अब ये हींग, बस गैस कम ही रखनी है। जैसे ये दोनों हो जाए इसमें हरा मिर्च, बस इसको भी ज़्यादा देर नहीं पकाना है। मटर डाल दें, मटर बॉइल्ड है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब साथ में मैं मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये नमक। मैं 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, ये मैं पहले बताना भूल गई थी इसलिए मैं अब डाल रही हूँ इसे। बस गैस कम ही रखनी है ताकि ये मसाले जले ना। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब धनिया डाल दीजिए, धनिया जरूर डालें, ये फ्रेशनेस बढ़ाती है, अच्छे लगेगा बहुत। ये मसाले सब हो गए हैं, इसमें बस आलू को मैश करना है, बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना है क्योंकि छोटे छोटे आलू के टुकड़े समोसे में आएंगे तो अच्छे लगेंगे।
देखिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। वैसे सब पानी नहीं डालना है, ये ऐसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सब। देखिए स्टफिंग बनकर एकदम तैयार हो गई है, बस अब इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए आटा रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, बस इसको अब थोड़ी देर ऐसे ही मसल लेते हैं। करीब 1 से 2 मिनट तक ये जितना अच्छा मसला जाएगा समोसे उतने ही बढ़िया बनेंगे। देखिए ये मेरे को इसको मसलते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं, ये डो कितना अच्छा बन गया है देखिए। बस इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चौकी पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज एक साथ बहुत सारे बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इसे प्लेटफॉर्म पे बना रही हूँ। थोड़ा सा आटा डाल लें या मैदा। देखिए अब इसकी एक रोटी बना लें, जितनी बड़ी बन जाए इस आटे से उतनी बड़ी। देखिए मैंने बड़ी सी रोटी बना ली है, देखिए ये ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। अब इसको एक बड़ी प्लेट ले लें, उसको काट लें इसी तरह दूसरे से भी बना के, दूसरे का भी ऐसे ही काट लें, बाकी एक्स्ट्रा निकाल दें। देखिए बाकी एक्स्ट्रा निकाल दें। देखिए बन गया ना एकदम गोल। बस अब इसमें आपको काटना नहीं है, अभी बस चाकू से इसको मार्क कर लें और ये एक साथ काफी सारे समोसे बन जाएंगे। अब जैसे अब तक स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, देखिए मैं स्टफिंग इसमें रख रही हूं। स्टफिंग आपको बिल्कुल बीच में रखनी है ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो चिपकाने के लिए थोड़ी जगह बच जाए। देखिए इस तरह सब स्टफिंग रख लूंगी। मैंने स्टफिंग लगा दी है, ये एक साथ 8 समोसे बनने वाले हैं। तो अब स्टफिंग लगाने के बाद ये साइड में जो जगह बची है यहाँ पे पानी लगा दें ताकि ये समोसे अच्छे से चिपक जाएं। उसके बाद इस पे दूसरी रोटी रख दें। पानी अच्छे से लगा दें ताकि ये अच्छे से चिपकेगा। देखिए मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है। देखिए मैंने दूसरी रोटी भी रख दी है, अब मैं इसको अच्छे से चिपका रही हूं। इसको पानी लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए अच्छे से सील हो गया है ये। अब मैं साइड इसकी अच्छे से सील कर रही हूँ, ये मैंने एक फोक से इसकी साइड को ऐसे प्रेस कर दिया है। देखिए सारे समोसे अच्छे से सील हो गए हैं, बस इसको अब काट लें। देखिए और ये जो साइड है इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका दें। देखिए देखिए मैंने 8 समोसे तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं।
एक कढ़ाई में देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है, गैस मीडियम रखनी है, तेज नहीं रखनी है। बस अब इसमें समोसे डालते जाएं। ये धीरे धीरे खुद ही ऊपर आने लगेंगे, इसको ज्यादा चलाना नहीं है। देखिए समोसे थोड़े से फूल गए हैं, ऊपर भी आ गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। बस इस टाइम पे इनको एक बार पलट दें। बस गैस का ध्यान रखें, अगर गैस तेज होगी तो फिर ये इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो गैस मीडियम ही रखनी है। देखिए समोसे कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस अब ये बनकर तैयार है, इनको निकाल लेते हैं। देखिए समोसे बनकर तैयार हैं, तो फिर लाइक करिए, बनाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।